सो हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू मस्ती क्वीन का जादू अगेन। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। सो दोस्तों, आज मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों की फरमाइश पे मैं अपना हेयर कट कराने के लिए। और टेंशन ना लो, पूरा हेयर कट नहीं करवा रही हूँ, पीछे से जो है बैक से ट्रिम करवाऊँगी और फ्रंट से हेयर कट लेने वाली हूँ। तो फ्रंट से जो है इस बार मैं कुछ अलग फर्स्ट टाइम हेयर कट लेने वाली हूँ, देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। दोस्तों, मैं ना अपने बालों में किसी और को कंघी नहीं करने देती, ना मुझे कंफर्ट रहता है, तो इसलिए मैं खुद से ही कंघी कर रही हूँ। और पार्लर वाली भाभी का जो है काम भी मैं कम कर रही हूँ, उनका बर्डन भी कम हो रहा है, क्योंकि कंघी मैंने खुद से ही की है और 15-20 मिनट लग जाते हैं मुझे कंघी करने में। तो मैं पार्टीशन में डिवाइड करके फिर मैं कंघी करती हूँ और मुझे वक्त लगता है। तो बालों की सेवा तो करनी होती है अगर आपको लॉन्ग हेयर चाहिए होते हैं तो। सो मुझे अपनी पूरी बॉडी में ना अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत 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 ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा ध्यान भी मैं बालों की ही रखती हूँ। तो अभी मैं थोड़ा सा ट्रिम लेने वाली हूँ, हर एक 3 महीने में मैं ट्रिम करवा लेती हूँ अपने हेयर को, और फ्रंट कट जो है मैं 6 महीने में लेती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो है सबसे पहले भाभी जी ने मेरे पहले नीचे से बालों को ट्रिम किया है और मुझे बकायदा दिखाया था इन्होंने कि कितना करना है। तो मैंने जो है हमेशा की तरह जो है थोड़े से ही बालों को ट्रिम करवाया, वैसे ज़्यादा नीड थी भी नहीं मुझे ट्रिम करवाने की। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा हेयर कट लिया है जो कि नीचे गिरा हुआ है, और इतने से हेयर कट में ही जो है पीछे का ट्रिम मेरा दिख रहा है, कट भी दिख रहा है। और अभी थोड़े से और लॉन्ग करना चाहती हूँ मैं, उसके बाद जो है मैं लेयर कट लेने वाली हूँ अपने पूरे बालों में। हमेशा ना मुझे लेयर कट ही लेना पसंद होता है, लेकिन अभी मैं कट कोई भी नहीं लेना चाहती, इसलिए मैंने बैक से ना सिर्फ ट्रिम करवाया है, और ट्रिम भी बड़ा प्यारा लग रहा है, मुझे तो प्यारा लग रहा है, आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। दोस्तों, अब मैं जो है फ्रंट कट करवाने वाली हूँ, और फ्रंट कट कैसा निकल कर आएगा, कैसा लगेगा मुझ पे, वो आप अभी देख लेना थोड़ी देर में। तो भाभी ने स्टार्ट कर दिया है, दोनों साइडों से इन्होंने बालों के सेक्शन ले लिए हैं और जो है मेरी तैयारी चल रही है अभी फ्रंट कट की। मैं हमेशा ना डरी रहती हूँ, सहमी रहती हूँ फ्रंट कट लेने के लिए। इस बार मैंने अपने हेयर जो है थोड़ा एक्स्ट्रा दिए हैं, और मैंने भाभी को बोला बहुत अच्छे कट होने चाहिए मुझे मेरे फ्रंट से, मतलब कि, और कुछ डिफरेंट जो है मैं करवाने वाली हूँ फ्रंट से, क्योंकि मैंने इनको वीडियो भी दिखाया है कि मुझे ऐसा हेयर कट चाहिए। मैं इतने बाल अमूमन देती नहीं हूँ हेयर कट के लिए, बट आज मैंने फ्रंट के बहुत ही ज़्यादा बाल दिए, क्योंकि फ्रंट से अगर आप ज़्यादा कट ले लेते हो ना दोस्तों, तो क्या होता है कि अभी पोनी टेल जो बनती है ना वो पतली बनती है, और जूड़ा भी आपका पतला बनता है, मतलब कि बिल्कुल ही पतले से बाल लगते हैं, मतलब। तो इसीलिए मैं फ्रंट में थोड़े से ही बाल देती हूँ हेयर कट के लिए, बट इस बार मैंने थोड़ा ज़्यादा दे दिया है और इन्होंने मेरे हेयर कट कर दिए हैं फ्रंट से, बट मैंने इनको कहा ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा और अच्छा कुछ करो बढ़िया सा, मतलब। दोस्तों, होना तो लेयर कट ही है, चाहे कुछ मर्जी कर लो आप, ये है कि आप साइज़ छोटा बड़ा रख सकते हो। इस बार मैंने जो है बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट हेयर करवा लिए हैं, और अभी जो है ये मेरे बालों में ड्रायर भी करेंगे, सेट करेंगे, उसके बाद प्रॉपर लुक जो है मेरे हेयर का दिखने वाला है। तो मैंने कहा इसको सेट कर दो, मुझे तो अभी तक कुछ खास लग नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा आप टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी तो इसको सेट करूँगी मैं, उसके बाद जो है कट समझ में आएगा। तो इसीलिए मेरा थोड़ा सा मुंह जो है बना हुआ है, बट रूपाली लगातार कह रही है कि मासी टेंशन ना लो, बहुत अच्छा हेयर कट किया, बहुत अच्छा हेयर कट किया है। दोस्तों, यहाँ पर जो है ड्रायर कर रहे हैं मेरे बालों में, ताकि मेरे बाल जो है सेट हो जाए अच्छे तरीके से, और कट जो है वो जो हेयर कट किया है उसका सेटिंग अच्छे से बैठ जाए। दोस्तों, मैं अपना पूरा लुक आपको दिखाऊँ हेयर का, उससे पहले आप कमेंट करके ज़रूर बताओ मुझे कि आप कितने टाइम में हेयर कट लेते हो अपना। दोस्तों, ये है कुछ मेरा पूरा लुक, अभी पूरा लुक दिखाऊंगी, फ्रंट का देख लो आप, कट अच्छा लग रहा है और प्रॉपर कट भी दिख रहा है हेयर कट, और ये रहा मेरा पूरा लुक। अगर आप फ्रंट में हेयर रखते हो ना दोनों साइड से, तो ये जो कट है ना हेयर कट, बहुत ही प्यारा लगने वाला है, बहुत ही प्यारा। और मैंने हेयर वॉश किए नहीं है, हेयर वॉश किए हुए ये तीसरा दिन था मेरा, तो थोड़े से बाल ऑयली हो रहे हैं, अभी मैं हेड वॉश करूँगी ना, तो उसके बाद और भी मेरा हेयर कट जो है निखर कर आने वाला है, और बाउंसी हेयर लग रहे हैं मेरे पहले से ज़्यादा, जो कि आप देख ही सकते हो। तो आपको मेरा ये लुक कैसा लगा, हेयर कट कैसा लगा, नया हेयर कट जरूर कमेंट करके बताना दोस्तों।